वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ आज जयपुर में एंड हम लोग आ चुके हैं बापू बाजार के अंदर एंड यहाँ पे हम लोग शॉपिंग चैलेंज करने वाले हैं एंड हम करने वाले हैं आउटफिट चैलेंज वो भी 1500 रुपीज में और सिर्फ 30 मिनट्स का बजट दिया है हम दोनों ने एक दूसरे को। केती मेरे को स्टाइल करने वाली है एंड शिल्पी दीदी मुझे स्टाइल करने वाली है। तो लेट्स सी हम क्या खरीदते हैं। अभी बिल्कुल भी हमें नहीं पता है कि हम क्या खरीदने वाले हैं। टाइम भी ज्यादा नहीं है एंड 1500 बजट है और मेरी बार्गेनिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है जितने की मेरी तो बहुत अच्छी है। तो लेट्स सी हम क्या करने वाले हैं एंड आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको आपको बहुत सारे शॉप नंबर्स भी पता चलेंगे बिकॉज़ आई एम फ्रॉम जयपुर इटसेल्फ और मैं पहली बार आई हूँ तो काफी मजा आ रहा है। तो चलो चलते हैं ऑल द बेस्ट। तो तुम इधर जा रहे हो? हाँ पर आप मेरे पीछे नहीं आओगे। हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया है सीट्स 30 मिनट्स एंड मैं जल्दी से सबसे पहले आउटफिट सोचती हूँ एंड फिर जूतीज और ज्वेलरी सोच रही हूँ। आई नो अ सीक्रेट शॉप जहाँ पे बहुत अच्छे बैग्स मिलते हैं तो पहले वहीं पे चलते हैं। सो दिस इज शॉप नंबर 39 एंड यहाँ पे इतने सस्ते और इतने अच्छे बैग्स मिलते हैं मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आपको सारे हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स जो आपको इंस्टाग्राम स्टोर्स पे 1000 रुपए के मिलेंगे वो यहाँ पे 200 से 300 रुपए में मिल जाते हैं। हाय भैया, आपके पास कोई ऐसा बैग है जो मतलब इंडिगो प्रिंट का हो या फिर ऐसा कोई प्रिंट जो सभी आउटफिट्स पे चला जाए? पर मेरे पास बजट है सिर्फ 300 या मैक्सिमम 350 रुपये का, उसमें कोई अच्छा सा बैग बता दो थोड़ा जल्दी भैया। मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है, 2 मिनट्स आर ऑलमोस्ट अप और मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। छोटा स्लिंग जैसा होता है बगेट हाँ ऐसा वाला बोल रही हूँ मैं। पहले हम ना आउटफिट ही देखते हैं क्योंकि बैग्स का बिना आउटफिट के कैसे समझ आएगा, सही बात है ना। तो आउटफिट के लिए इस साइड ज़्यादा अच्छी शॉप्स और जहाँ पे शिल्पी दीदी गई है वहाँ पे इतनी अच्छी शॉप्स नहीं है। दिस सेट्स आर रियली नाइस एंड मैं चाहती हूँ कि मैं शिल्पी दीदी को एक बार एटलीस्ट काफ्तान ट्राई कराऊँ क्योंकि मैंने उन्हें कभी काफ्तान पहने हुए नहीं देखा। बट ये प्राइस सही नहीं बोले तो चलो आगे चलते हैं। ट्वेंटी फाइव मिनट्स बची हैं, 5 मिनट हो चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे पता है ऐसी फीलिंग आ रही है कि शिल्पी दीदी पक्का स्कर्ट लेने वाली है क्योंकि वो कब से स्कर्ट ही देख रही है पर मैं स्कर्ट नहीं लूँगी उनके लिए। अगेन काफ्तान बहुत सारे हैं बट इट्स टू कंफ्यूजिंग क्या लूँ क्या नहीं लूँ। वेलकम, थैंक यू भैया। कुछ ऐसा आपके पास क्रॉप टॉप है जो ऐसे अपने इंडियन और ये राजस्थानी प्रिंट्स के अंदर होता है? प्लीज़ दिखाइए ना थोड़ा सा जल्दी। एक तो जहाँ पे टाइम का प्रॉब्लम होता है ना वहाँ पे बहुत परेशान हो जाता है इंसान। मेरे पास सिर्फ 24 मिनट्स बाकी है और मैंने कुछ नहीं लिया है अभी तक। तो हाँ ये वाला दिखाओ, एकदम छोटा साइज सबसे छोटा है। मेरे को ना सबसे अच्छा ये वाला आउटफिट लग रहा है क्योंकि मुझे पता है शिल्पी दीदी को ब्लू कलर तो बहुत पसंद है। आज भी उन्होंने ब्लू कलर का आउटफिट पहना था एंड इसका जो पैटर्न है ना उन पर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ऐसे मस्त सेक्सी सी क्वीन लगेंगी वो राजस्थान की एंड इसके साथ ना बहुत सारे इंडिगो वाले बैग्स वगैरह चल जाएंगे तो मैं तो सोच रही हूँ ये कलर ले सकते हैं। टाइम कितना बचा है? OMG सिर्फ और सिर्फ 19 मिनट बचा है हमारे पास। तो मैंने फाइनली ये वाला कलर लिया है बिकॉज मुझे इतना श्योर है कि ये तो उनको पसंद आएगा ही, वो वाले के लिए मैं बहुत कंफ्यूज थी एंड भैया ने मुझे फाइनली 800 के अंदर दे दिया। मैं आपको शॉप नंबर वगैरह सब बता दूंगी। ये इनका कार्ड भी, यू कैन सी द शॉप नंबर एंड शॉप का नेम इज़ वेल। आर फर्स्ट पीस ऑफ आउटफिट इज़ रेडी, लेट्स गो। अब मैं ना सोच रही हूँ पहले बैग ले लेते हैं क्योंकि बैग से ना बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि मुझे इयररिंग्स क्या लेने हैं और जूतीज क्या लेनी है। ये वाला लेन तो देखा नहीं इतना पर इस वाले लेन में इतना है नहीं तो आप जब भी बापू बाजार आओ ना आप सरावगी मेंशन के अंदर वाली लेन में आके लेफ्ट वाली लेन में घूमना, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पीसेस मिलते हैं इंस्टेड ऑफ राइट वाली लेन। राइट वाली लेन में ना कुर्तीज वगैरह बहुत अच्छी मिलती है। हम ऑलमोस्ट उस बैग वाली शॉप पे फिर से आ गए हैं
हाय भैया, मेरे पास ये आउटफिट है और इसके लिए मुझे बकेट बैग चाहिए। प्लीज मुझे जल्दी से जितने भी ऑप्शन है सारे दिखा दो। ये वाला दिखाना ना भैया, ये अच्छा है। सी, ये वाला इस पे कितना अच्छे से जा रहा है और उनको, मुझे पता उनको इंडिगो इंडिगो बहुत पसंद है, तो मैं ये ले सकती हूँ। और एक ये कलर भी है पर ये थोड़ा डार्क है ना, ये मत खोलिए। इंडिगो बैग्स ऐसे भी हैं पर वैसे बैग्स नहीं लगाती हैं उनको, बकेट बैग्स मतलब अच्छा है ये, इस प्राइस के अंदर बहुत अच्छा है। और हाँ, ऐसा वाला भी दिखा सकते हैं आप, पर इसका प्रिंट्स अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैं यही वाला ले लेती हूँ बिकॉज ये वो बहुत सारे आउटफिट्स में यूज कर पाएंगी। ये क्या प्राइस का है? ये वाला है, बकेट बैग थोड़ा ज्यादा कूल लगेगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं ये ले लेती हूँ। और भैया बिल्कुल बार्गेन नहीं कर रहे पर हम फिर भी करवाएंगे, प्लीज भैया। तो मैंने फाइनली ये वाला बैग ले लिया है फॉर 350 रुपीज। वैसे तो अच्छी डील है क्योंकि ऐसे बैग्स मिलते नहीं है इस प्राइस के ना। भैया इसको उसमें डाल दो। सो में से 1150 का बजट तो खत्म हो गया है हमारा, तो अब हमारे पास बचता है 350 रुपीज। हमें लेनी है जूती और इयर रिंग्स। ऐसे टाइप वाले सैंडल्स भी तो ले सकते हैं। ठीक है, चलो एक दो जगह और देखते हैं थोड़ा सा। ये दुकान मैंने भी पहले देखी थी, मैं लूंगी यहाँ से, आप नहीं ले सकते। मैं पहले से बैठी हूँ यहाँ पे, तो मैंने पहले देखी थी ना। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। भैया इसको थोड़ा महंगा देना। भैया मुझे सबसे सस्ता देने वाले, इसको महंगा देना थोड़ा सा ना। देखो ना, इसके साथ टाइप सैंडल्स चाहिए, या तो मुझे क्रीम कलर में ऐसा ले लो आप, आपके साइज में मेरा बड़ा साइज। आप मेरा आउटफिट नहीं देख सकते, वो मैं पहले ही देख चुकी हूँ। कहाँ देख, बड़ा साइज निकाल दे। मुझे साइज 37 में चाहिए, मेरा नहीं चाहिए। हाँ 37 तो आपके हाथ में ही है। ठीक है, तो मुझे यही साइज चाहिए। अब ये ब्लू में भी ऑप्शन है एक आपके साइज में, ये छोटे साइज में 37 में ये मिलेगा ना। मैं मोल में, तो फिर ये क्या प्राइस मिलेगा इसका? प्राइस आपके लिए पड़ेगा नेट 200 का। जो भी आप इनको दे रहे हो उससे कम प्राइस में चाहिए मुझे। ठीक है, इनको तो मैं 300 का दे रहा हूँ आपको। अरे भैया मेरे को भैया को 300 में क्यों दोगे? अभी मैंने, मैं पहले आई थी ना भैया। थोड़ा सा क्वालिटी डिफरेंट है ना मैम, और मैंने यहाँ से 200 रुपए में मेरा टाई अप सैंडल्स ले लिया। इस जगह का नाम है मोनिका फुटवेयर एंड यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर जूती थी जस्ट फॉर 200, बाकी बाजार में नहीं मिल रही है। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट्स और 30 सेकेंड्स बचे हैं एंड मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरे को इयर रिंग्स लेने हैं अभी एंड बजट सिर्फ 150 रुपए का बाकी, तो जल्दी जल्दी भाग के चलते हैं अब। कहीं ऐसा ना हो शिल्पी दीदी का मुझसे पहले हो जाए। भैया ये इयर रिंग्स क्या प्राइस के हैं? भैया 50 लगा लो प्लीज। यही वाले ज्यादा अच्छे हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है बट मुझे लेना पड़ेगा पहले इयर रिंग, तो मैं जल्दी से इयर रिंग ले लेती हूँ। भैया इयर रिंग्स दिखाइए ना। भैया इसका क्या प्राइस है? ये वाला कितना अच्छा लगेगा उस आउटफिट के साथ।
आप से सिर्फ 50 सेकंड्स बाकी है, मुझे जल्दी करना होगा। भैया ये वाला दे दीजिए। डन डन डन, मैंने लास्ट पीस भी ले लिया है। आप गूगल पे फोन पे लेते हो? कैश नहीं है तो कर दो। तो मैंने सारी चीजें इसके अंदर ले ली है और मैंने 50 रुपए बचे थे तो उसके अंदर एक रिंग भी ले ली ताकि एक भी रुपया ना बचे और कंप्लीट आउटफिट हो जाए। एंड हम शिल्पी दीदी को स्टाइल करके दिखाएंगे कि उनको कैसी लगती है। शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और हमने आउटफिट ले लिए हैं। मैंने शिल्पी दीदी के लिए ले ली और मैंने कीर्ति के लिए ले ली, लेकिन आई थिंक पता नहीं मेरे को कैसा होने वाला है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम शॉपिंग की। ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी, शहर है ना। हाँ, बट तुम दिल्ली आओगे तो तब देखना मेरा आउटफिट। चलो अभी हम पहले कीर्ति आउटफिट दिखाएगी, पहले मैं रिवील करती हूँ और शिल्पी दीदी रिवील, और आपको कॉमेंट करके बताएंगे किसका आउटफिट ज्यादा अच्छा लगा। मेरे को भी जितना है, चलो सबसे पहले ना मैं मेरा आउटफिट दिखा देती हूँ। Look at this, कितना ज्यादा सुंदर है ना। मैं बोलूंगी मैंने ये क्या है, मैं सीधे इनको पहनने के लिए भेज दूंगी। आप चीटिंग नहीं करना, सीधे इनको पहनने के लिए भेज देंगे और ये पहनकर आएंगे आप, फिर देखना कितना ज्यादा सुंदर लगने वाला है ये। आइस क्लोज रखना दीदी, आइस क्लोज, चीटिंग भी की। Look at this, कितना अच्छे से साथ के अंदर मैच होने वाला है एंड ये इतना सही प्राइस में। मेरे को ऐसे एक्साइटमेंट हो गई देखने की, हाथ बंद कर रखी है मेरे। अब मैं इनको जल्दी से पहनने के लिए वॉशरूम में भेजती हूँ। चैनल पे देखा कि मैंने शिल्पी दीदी के लिए कौन सा आउटफिट लिया है एंड इनके चैनल पे आप देख पाओगे कि इन्होंने मेरे लिए क्या आउटफिट लिया है। एंड उसका जो लिंक है इनके चैनल का भी और उस वीडियो का मैं दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दूंगी। हाँ, तो जो मैंने लिया है वो मेरे चैनल पर दिख जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा दोनों वीडियो का लिंक। एंड तो आपको कमेंट करके बताना है किसका आउटफिट ज्यादा अच्छा लगा, और बस अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और इनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।